अस्सलाम वालेकुम। मुझे उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही ज़्यादा ठीक हूँ। आज मैं आप सबको जुम्मा मुबारक। और अभी जो है 1:10 हो रहे हैं, अभी 20 मिनट है जुम्मे की जो सी होती है, सब कुछ होने स्टार्ट होने में जुम्मा, और अभी 20 मिनट है जुम्मे की जो सा जुम्मा स्टार्ट होने में। फिर मैं सोच रहा था कि अभी जो सा ये देखते हैं, टीवी देखने लग पड़ते हैं और सारी तस्बीह एक पकड़ लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अभी जो जुम्मे का टाइम हो चुका है, जुम्मे की नमाज़ पढ़ते हैं। अभी जी मैं जुम्मा पढ़ कर आ चुका था जौन सा घर पर, और फिर सो चुका था। आपको मेरी आंखों से जौन सा पता चल रही होगा, लेकिन जौन सी मैं लोकेशन पर आया हुआ ना, वो ये देखे, मैं अपनी हवेली आया हुआ हूँ। पूरा 360 व्यू दे रहा हूँ आपको, बहुत ही प्यारा मंजर है। और मेरे जौन से जामनू ना, ये देखे जामनू मेरे नहीं है, सबके हमारे इधर जौन सा है, लेकिन इसको पकड़ने में 1 से 1.5 महीना जौन सा वो रह चुका है। और फिर खाने का बहुत ही ज़्यादा मज़ा आएगा, क्योंकि मेरे फेवरेट हैं जामनू, बेस्ट द बेस्ट फ्रूट्स एवर। जौन सा बड़े मज़ेदार होते हैं, लेकिन अभी जौन सा ना, इधर दादा लोग इधर दूध निकालने लगे हैं भैंस का। मैं भी आज कोशिश करूँगा कि मैं भी आज निकालूँ। जौन सा मुझे एक बैड न्यूज़ जौन सा पता चली है कि हमने हमारी जौन सी पनीरी थी ना, जो बड़े होकर चावल बनते हैं या आटा बनता है, अभी ये नहीं मुझे पता, शायद चावल बनते हैं, वो जौन सा ना उसमें कोई जानवर जौन सा है वो फिर चुके हैं एक सांप के जौन से, बहुत ही ज़्यादा नुकसान। दादाजी कह रहे थे कि नुकसान हो गया, और उधर जौन सा ना बच्चे भी खेल रहे हैं। और ये देखें बीच बीच में आपको जौन सा पाँव नजर आ रहे होंगे ना, वो सभी ये जौन सी अभी 2 से 3 वो बड़े बड़े वो देखें यार, अल्लाह अकबर, बहुत ज़्यादा नुकसान एक साहब का हो गया, लेकिन कोई बात नहीं, होता रहता है, दुनियावी जौन सी जिंदगी है, कोई बात नहीं। अभी आपको गौर से आपने सुनना है कि किसकी आवाज़ें आ रही है, ढोल की आवाज़ें आ रही है ना, ये उधर से, ये तो हमारी मस्जिद है ना, ये एक साहब किसे हम कहते हैं ताजमहल, और उस गांव में भी जौन सा आज मेला है। हमारे गांव भी मेला होगा, लेकिन 1 से 1.5 महीने बाद हमारे इधर जाकर मेला होगा। अभी कोई जौन सी है ना अभी इस बार नज़र नहीं आ रहे, हम भी कल जाएंगे मेले पर या अभी जाते हैं थोड़ी देर बाद। देखिए यार बड़ा अफसोस होया इसका सुनकर, खुद मैंने अपने हाथ उससे लगाई थी थोड़ी सारी जौन सी ना, ऐसे ऐसे फेंकी थी बहुत ही, लेकिन कोई बात नहीं, होता रहता है। और इधर जौन सी है, ये जौन सी होगी ना पनीरी, इसको जब ये बड़ी थोड़ी सारी होगी 15-20 दिनों में, फिर इसको उठाकर पूट कर इसके अंदर लगा देंगे। ये इसकी इसलिए ये जौन सा है ना, ये इतनी सारी जौन सी ज़मीन जौन सी है ना, ये वो ये इसके लिए इतनी है, बड़ा को छोड़ थोड़ी सारी बाहर से भी या कभी उधर से इंपोर्ट करवा लेंगे, और आपको इसकी सूरत हाल पता। ओह इधर मैंने सांप देखा है, अभी इतना मोटा जौन सा ना, काला काले रंग का जौन सा ना वो सांप मुझे मिला, मैं इधर से जल्दी जल्दी भाग गया था। उफ अल्लाह, मैंने सोचा था कि मैं जौन सा भैंस का दूध निकालूंगा, लेकिन अभी पता चला कि जब वो सूती है बच्चा बच्चा देती है ना, तब जाकर 2 दिन जौन से होते हैं ना, फिर जाकर ये नीचे चोने देती है दूसरे बंदे को, नहीं तो वैसे ये नहीं, पहले ये अभी जौन सा मेरी दादी के नीचे जौन सी गिजी हुई है। और ये देखे मुझे मारने पड़ती है, हाँ जी मुझे बहुत ज़्यादा डर लगता है इन चीज़ों से, लेकिन अभी मैं जा रहा हूँ उधर खेलने, मैं आपको बच्चे दिखाए थे उधर चलती हैं। ये गाइस मैं घर आ चुका हूँ, और ये देखें इसको चलाने की कोशिश कर रहा है। और टमाटो ये क्या कर रहे हो, और उधर दादा लोग भी जौन से हैं, वही इधर लेकर आओ इसको टमाटो को। शाम की जौन सी है वो रोटी आ चुकी है, शाम की रोटी में साल इसका नाम क्या है, रोटी है और साथ साल उसका है शोर है, गोश्त का शोर है, खाते हैं। और यहाँ तक आज का हमारा व्लॉग, उम्मीद करता हूँ आपको मेरा पहला व्लॉग पसंद आया होगा, और आप उसको जरूर लाइक शेयर और सब्सक्राइब करेंगे। आपके मेज़बान इब्राहिम ताहिर को दीजिए इजाज़त, अस्सलाम वालेकुम, और उसको लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।